लॉकडाउन के बीच रविवार को बालिमिया मेले के दौरान कोई भी रस्म अदायगी नहीं की गई। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही बालिमिया के मेले की परंपरा इस बार टूट गई। वहीं आसपास के कुछ अकीदतमंद दरगाह पहुंचे, लेकिन दरगाह बंद होने के कारण वह वापस लौट गए। बहरामपुर में हर साल ज्येष्ठ माह में बालिमिया के मैदान में भव्य मेले का आयोजन बालिमिया दरगाह कमेटी द्वारा किया जाता है। एक माह तक चलने वाले इस मेले के मुख्य दिन अकीदतमंदों द्वारा पलंग, पीढ़ी, कानूरी आदि चढ़ाकर मन्नतें मांगी जाती थीं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण प्रशासन की ओर से रस्म अदायगी के लिए अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद यहां कोई भी रस्म अदायगी नहीं की गई। जला लो काट लो, हम मजबूरी में सब के ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई है नहीं है, तो रोक रहा है, कुछ कराना, दो गाड़ी मेरी पकड़ी हुई है, पूरा एकदम मारो, एकदम मजबूरी है, वो लोग तो देख ही रहे, उसी जगह खोस लीजिए, बता दीजिए, जल गया दीदी, पकड़ लो। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दरगाह कमेटी के प्रबंधक मोहम्मद खालिद, अकीदतमंद आशा व खुशी किन्नर ने बताया। जो ये है, ये तड़ बीमारी चल रहा है, ठीक है, बीमारी के वजह से सब इंसान परेशान है, अब बचाव तो करना ही करना है, बीमारी से तो बचना ही बचना है। अब लॉकडाउन नहीं रहता, ये सब बीमारी नहीं होता तो हम लोग अंदर जा के पूजा पाठ करती, ठीक है, लेकिन क्या करूं कि मजबूरी है कि हम लोग देवी देवता का पूजा ही नहीं कर पा रही, बाहर से पूजा कर रही हूँ। 30-40 साल से यहाँ से हम लोग आती हूँ, बचपना गुजर गया, लेकिन कभी ऐसा हम लोग दिन देखे नहीं, लेकिन ऐसा मजबूरी आया कि दिन देखना इंसान को पड़ रहा है, सबके ऊपर है। हम लोग को बाहर हर तो देवी देवता है, जहाँ पूजा होता रहा खुल के, अब कहीं पूजा पाठ हो ही नहीं रहा है, सब जंग बालिमिया मजार पे। क्या है आज बालिमिया का ब्याह है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, गई पूजा?